अंग्रेज बोलता है कि ये तू कपटी। इस बार चाय वाला एकदम से गुस्से में लाल होके बोलता तू कपटी, तेरा खानदान कपटी। मैथमेटिक्स मेरी बहुत कमजोर है। मतलब लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड भी आई है? वो भी नहीं आई। रही रही ऐसे एक्टर बनने के लिए आ रहे हैं तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो तैयार हो गए। भाइयों एवं बहनों, आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में मुसाफिर मोहलियो रे पिंजरे वाली मुनिया, रोमझम सा जिक्र करते हुए, उस बरसात की बूंदों का जिक्र करते हुए एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ मैं, हमें सुने जाए लेकर बातें दिलों की। और उस फनकार, उस कलाकार का जिक्र ना हो जिसकी उंगलियां थरकती हैं दिल की धड़कनों की तरह, जिसके साथ से आती है मीठी मीठी प्यारी सी आवाज़, जिसके अल्फाज बन जाते हैं दिल के पैमानों को छलकाते हुए अल्फाज। जी हाँ दोस्तों, कोई और नहीं, उस्ताद कमाल साबरी साहब। बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने इतना अच्छा मेरा तारुफ कराया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। और इस कार्यक्रम को लेकर हम सब आपके समक्ष आज उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ द सारे प्रेजेंट्स, बातें दिलों की। और जिस तरह के हम हर बारी एक नए कलाकार, एक नए फनकार के साथ आपका तारुफ कराते हैं, आज हमारे साथ बड़े ही मशहूर पंचायत 3 सीज़न शायद आपको याद होगा, तो उसके बड़े अच्छे कलाकार आज हमारे साथ हैं, जनाब अमित मौर्या साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। और बात करेंगे गोरखपुर की, उस जगह से जिस मिट्टी से आप हैं, उसके बाद आप भारतीय टूर, बल्कि गोरखपुर से भी नहीं, उसके एक पास छोटा सा गांव है उससे आपका ताल्लुक़ है, और उस गांव से मुंबई तक का सफ़र हमें आज आप अपनी ज़ुबानी सुनाएंगे जनाब अमित मौर्या साहब। जी, गोरखपुर के पास में एक छोटा सा ज़िला है महाराजगंज, वहाँ एक छोटा सा गांव है उस ज़िले में, महुआ शुक्ल। वाह वाह वाह, वहाँ से मैं। क्या बात है, वो छोटा नहीं अब बड़ा हो गया, क्योंकि आप हस्ती बन चुके हैं। और इतनी बड़ी हस्ती है कि आज आपको सब दुनिया आपके नाम से जानती है, और कैरेक्टर को इतना खूबसूरती के साथ आपने अदा किया है, तो ज़रा उसके पीछे की बारीकियों के बारे में ज़रा हमें अवगत कराएं प्लीज़। अगर शुरुआत करें बिल्कुल एकदम से, तो 2005-06 की बात है, जब मैं क्लास 6 और 7 की बात करूँ, तो तब क्या हुआ था कि मुझे मेरे टीचर ने कहा कि आपको जो है 15 अगस्त नहीं, हाँ 26 जनवरी का दिन था, तो वहाँ पे आपको परफॉर्म करना है। तो पहली बार मुझे मंच पे जाने का मौका मिला था, और मुझे नहीं पता था कि कैसे चीज़ें होंगी, तो मैंने जाके अपने पिताजी से डिस्कस किया कि क्या करूँ, तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा जोक सुझाया था, और वो जोक्स कहने के बाद मेरा नाम भी वही पड़ गया था, टू कपटी करके। और जब तक मैं वहाँ पढ़ता रहा तब तक लोग मुझे उसी नाम से बुलाते रहे। जोक सुनाएं सर हमें, जोक क्या जोक था, हम भी उस जोक को सुनना चाहेंगे। वो कुछ ऐसे था कि देश आज़ाद नहीं हुआ है, अंग्रेज़ों के अधीन है, और एक गांव में जो है 3-4 अंग्रेज एक झोपड़ी के सामने जाते हैं, वहाँ पर वो चाय की दुकान है, बहुत और वहाँ पर वो लोग बोलते हैं उस चाय वाले से, हे एक्सक्यूज मी प्लीज़ टू कप टी। चाय वाला इग्नोर करता है, अपने काम में बिजी रहता है, फिर वो बोलता है टू कप टी, फिर वो कुछ नहीं बोलता है, फिर वो अंग्रेज बोलता है कि ये टू कप टी। इस बार चाय वाला एकदम से गुस्से में लाल होके बोलता है तू कप टी, तेरा खानदान कप टी, तेरा बाप कप टी, तेरी माँ कप टी, सबको कप टी बना दिया। बहुत बेहतरीन, क्या बात है, ये सब पर यूं ही शुरू हुआ। लेकिन प्रोफेशनल एक्टिंग में आने का कैसे मन हुआ, और किस तरह के माहौल से आप होकर गुजरे? जी, शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि मैं उन दिनों स्टैंड अप कॉमेडी देखा करता था। अच्छा। लाफ्टर चैलेंज आता था जो, जी जी, तो जी मार्केट में, हाँ बहुत मशहूर हुआ था, तो मार्केट में वो उसकी सीडी वगैरह मिल जाती थी, उसको लगा के देख करके, उसको सीख करके, ऐसे मतलब करने का मन था, लेकिन कहाँ हो ये नहीं पता था। तो वही 26 जनवरी और 15 अगस्त, यही दो मौके हुआ करते थे जिन पर मैं जाके परफॉर्म करता था, और मौका मिल जाता था कि 1-2-3 स्कूलों पर ऐसे जा करके करने का। तो वो चीज़ें अंदर आग जो होती है ना एक तरह से, वो थी। और फिर 2012 में बहुत सारी चीज़ें करी इस बीच में मैंने, बहुत सारी की, ये कर लो, वो कर लो, वहाँ चले जाओ, वो कर लो, समझ नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है, क्योंकि हम जिस परिवेश में आते हैं ना गाँव के, तो वहाँ पर कभी इस चीज़ के लिए नहीं कहा जाता है कि तुम एक बनना क्या है, इस पर सोचो। तो ये कैसे समझ में आया कि पंचायत 3 करना है? बता तो रहा हूँ, 2007 की बात है, पिताजी ने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा, कोई काम करो, सीखो स्किल, ताकि पैसे, 4 पैसे आए जी। तो मेरे मामा जी रहते हैं पंजाब में,
तुम उनके पास में चला गया, ये कढ़ाई वाला काम जो होता है ना, शर्ट और जी 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 हाँ, तभी आपकी शर्ट जरी का काम, जरी का काम आपने सीखा? नहीं जरी वाला काम नहीं, नहीं। अच्छा, जो लिखाई वाला होता ना जी, अच्छा, जी, जी। वो वाला काम मैंने सीखा, बहुत लिखवाए हैं लड़कों से। अच्छा, हमने कभी नहीं लिखवाया। तो वो पंजाब में जो है वो काम मैंने शुरू किया, और 2-3 महीने करने के बाद मैं बीमार पड़ा, और संयोग से मेरे मतलब कि चीज़ें ऐसी बनी कि बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हुई और वापस आ गया। जाने से पहले मैंने ITI का फॉर्म डाल रखा था, तो आने के बाद मैंने वो कंटिन्यू कर लिया, और उसी बीच में ये स्टैंडअप की भी चीज़ें चलती रहीं। 2008-09 की बात है जब मैं पास आउट हुआ जी, तो फिर पिताजी ने कहा कि पॉलिटेक्निक कर लो, बेहतर है। हाँ, और मैथमेटिक्स मेरी बहुत कमज़ोर है। हाँ, वो लगता है देख के आप नाम ही ऐसा है ना, बम बहादुर जोक्स अपार्ट, उसको अलग मत लीजिए। तो फिर मैं भागता रहा उस चीज़ से कि जो चीज़ मुझे नहीं आती है उसमें मैं क्यों अपना वो सर खपाऊं। टाइम वेस्ट, हाँ सही बात है। नहीं आती भी नहीं थी, बिल्कुल समझ ही नहीं आती थी, टाइम वेस्ट भी। मतलब लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड भी आई है? वो भी नहीं आई। नहीं मतलब इतनी कैलकुलेशन रही कि कुछ वो भी नहीं रही? नहीं रही, रही रही मतलब कितनी पट्टी और कितनी है और कितनी जा चुकी, कितनी पट्टी और कितनी भागी? नहीं, पहली बात तो पट्टी भागी वाली बात ही नहीं। अच्छा, पट्टी नहीं मतलब कि एक तरफा रहा है, एक तरफा। अच्छा, वन साइड वाले, वन साइड रोमियो मतलब तो, पटी नहीं फिर वो। हाँ, तो वो सिर्फ आप ही पढ़ते रहे उससे मतलब उसके घर के बाहर खड़े होते थे, ट्यूशन के बाहर खड़े होते थे, कॉलेज के बाहर खड़े होते थे, ये सब हमने करा है, तो आप कहाँ खड़े होते थे ये बताओ? मुझे ये अपने घर पे खड़े होकर उसे ताकते थे कि नहीं, कभी नहीं, मैं भी मेरा घर दूर था, तो अच्छा अच्छा ओहो। मैं जो है अक्सर रात में निकला करता था साइकिल के साथ, साइकिल से कहीं जैसे रामलीला हो रहा है या नाच वगैरह होता था जी जी जी, तो वहाँ वो 15-20 मिनट हम लोग देखते थे, बाकी उसके घर के सामने, उसके घर के सामने खड़े होकर मूंगफली खाते रहते थे, देखते रहते थे। नहीं, मैं भी एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। अच्छा, वो उसकी सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो पढ़ने में बहुत तेज थी। वाह, लड़के होते हैं, लड़के भी होते हैं पढ़ने? नहीं, वो वाली तो वो क्या होती है जो होती है जो हमें पसंद आती है दिखता। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो वो उसको मतलब जब भी देखते थे ना, तो वो लालटेन जल रही हो मच्छरदानी के अंदर, और पता लगता था कि कोई तो है जो पढ़ रहा है। वाह, ये ना उसकी बड़ी बहन पढ़ रही हो तो दाग से रहे हो। तो जब भी घर जितने भी बजे आता था, मैं 1 घंटा आधा घंटा पढ़ता जरूर था। क्या उसके बारे में पढ़ते थे? नहीं नहीं कि मुझे भी मतलब एक होता ना कि मतलब सेट करते थे कि अच्छा सिमिलैरिटी कर रहे थे, ऐसा मम्मी ने दोबार मत बिठा कर जाकर सीधा मतलब उसकी उस पे आ जाएं, उसकी उस पे आ जाएं। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है, अपनी तरफ से था। मतलब आपके जमाने में खेल, मतलब आपका जमाना बदल गया, हमारे जमाने वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, हमारे जमाने नहीं, सुन तो लो, आपके जमाने के खेल कौन से थे जो खेलते थे आप? हम लोग, हाँ, कबड्डी हो गया, और कंचे खेले, कंचे कंचे खेले, पतंग उड़ाई है तो फिर करा क्या? पतंग उड़ाई है, पतंग उड़ाई, लूटी भी है वो सब, लूटने वाला माहौल गांव में कहाँ होता है। हाँ, उड़ाने का ही होता, उड़ाने का होता, अपना अपना लोग उड़ा रहे हैं, अपनी अपनी उड़ा रहे हैं। तो मैंने पतंग बना करके बेचा भी है और उड़ाया भी है। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है इस वक्त, इतना अचीवमेंट आपको करके, और इतनी सराहना मिल रही है, मोहब्बत मिल रही है, ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, आपको अंदर कैसा महसूस होता है इसको फील करके? फील करके अभी देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। जी जी जी, पता लग मुझे एकदम से ऐसे सपने जैसा प्रतीत हो रहा है अभी तो, बिल्कुल की लग रहा है कि ये मतलब एक सपना चल रहा है। हाँ, आज से 1 महीने पहले तक चीजें अलग थी, अभी रोड पर चाहे कहीं निकल जाऊं तो लोग नोटिस कर पहचान रहे हैं। वेरी नाइस। तो आपको लगता है कहीं आपके साथ किसी की दुआएं साथ चल रही हैं, कोई आशीर्वाद, कोई ऊपर वाले की करम आपके साथ है, या उस लड़की की मोहब्बत जो छोड़ के चली गई मेरी? उसकी मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन माँ बाप की दुआएं जरूर होंगी। मुझे मतलब कि मेरे घर पे सबका सपोर्ट रहा है, सबका, इवन मेरे क्षेत्र के लोगों का भी सपोर्ट रहा है, जो लोगों ने मुझे परफॉर्म करते हुए वहाँ पे देखा है, बहुत अच्छे, उन सबका, क्या बात, और मेरे दोस्तों का, मेरे जो सहपाठी रहे हैं उनका, मेरे सीनियर्स का, यहाँ मतलब मुंबई में मेरे सीनियर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। वेरी नाइस। कुछ भी होता है तो मैं पहले उनसे राय मशवरा लेता हूँ कि क्या करना क्या नहीं। वाह वाह। फिर उसके हिसाब से, जैसे जब मुंबई में आया था तो उन्होंने मुझसे पहले ये पूछा था कि तुम्हें करना क्या है, एक्टिंग के लिए आए हो? जैसे मेरा मेकअप भी अच्छा था और सेट डिज़ाइन भी मेरा अच्छा है थोड़ा। अरे वाह। हाँ, तो उन्होंने यही पूछा था मुझसे कि करना क्या है, तो मैंने कहा कि अभिनय की लाइन में जाना है अभी शुरुआत में। बोले कि 3-4 साल बिल्कुल देखो इसी को। किसको, लड़की को? नहीं, अभिनय की लाइन में। आपने बोला कि देखो, किसी को देखो, ऑडिशन के लिए, किसी लड़की को देखो।
हमें तो ये महसूस करो और उसके बाद एक्टिंग करो। सुन तो लो, हमने आते देखा और दो दिन थाने में बंद रहे। अच्छा देख रहे थे ना। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, फिर बोला जोक्स अपार्ट। तो वो चीजें कभी मतलब 3-4 साल तो ऐसा हुआ ही नहीं, 1 साल हुआ बिल्कुल कोई काम नहीं मिला 2019 में जी। 20 की लॉकडाउन लग गया। हाँ उस समय मैंने 2 ऐड कर लिया था, एक भोजपुरी की फिल्म की थी। क्या बात, क्या बात, मतलब चूल्हा जलना शुरू हो गया था। हाँ अच्छा, सबसे बड़ी अच्छी बात रही कि वही 18-19 वाली जो बात, तो 17 तारीख को मेरे भाई का फोन आया कि घर आ जाओ क्योंकि कोविड की चीज़ें देख रहा हूँ बढ़ रही हैं। मैंने कहा कि अभी तो कुछ लग नहीं रहा, तो बोले नहीं देखो सबसे पहले अगर कोई बंद होगा तो सबसे पहले मुंबई होगा, दिल्ली होगा, चेन्नई होगा, कोलकाता, जो बड़े शहर हैं सबसे पहले अगर लॉकडाउन लगना भी होगा तो वहाँ लगेगा, तो आ जाओ 10 दिन घूम के फिर वापस चले जाना। मैंने कहा ठीक है, और मैं 18 को निकला और 20 को घर में पहुंचा और 21 को लॉकडाउन। ये मेरे लिए लोग अक्सर घूमने अपने घर से बाहर जाते हैं, आप वापस घूमने अपने घर घर पे गए। भाई वाह। और एक चीज़ ये भी था कि 12-14 साल हो गया था घर से निकले हुए, तो बहुत कम समय दे पाता था घर पर, कि वही 10 दिन 15 दिन ऐसे ही मतलब मेहमानों की तरह घर पर। तो घर में कौन कौन है, वालिद साहब आपकी, माता पिताजी, बहन भाई, भाई कौन भाई, बहन कौन है? पिताजी, माता जी, बड़े भाई, 2 बड़ी बहनें। अरे वाह। तो उनको भी एक्टिंग में कोई शौक है? जब आपने एक्टिंग का उनको बोला तो उन लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं किया? जैसे क्या हुआ कि पिताजी ठंडा रिएक्शन रहा उनका, यार ये किस लाइन में जा रहा है, इसमें कुछ नहीं मिलना तुझे, टाइम से पहले तो कहा ही नहीं। अच्छा। मैंने माता जी से सिर्फ चुपके से जाके बोला कि मुझे ये करना है, पिताजी से नहीं कह पाए तो माता जी से ये बात बोली थी, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है देखो, मतलब ये बहुत अलग चीज़ होती है ना, बिल्कुल गांव में तो बहुत अलग चीज़ है, एकदम हटके है, कोई उधर कुछ इस तरह की चीज़ करता ही नहीं है। नो डाउट। चुपके से मैंने जब गोरखपुर में आके रहना शुरू किया, मैं एक आर्किटेक्ट के पास रह के मकान वगैरह का नक्शा बनाता था, तो वहाँ से ही मुझे पता लगा थिएटर के बारे में और जाके मैंने शुरू किया। क्या बात। तो घर पे किसी को पता नहीं था जी, तो भाई को पता नहीं कैसे पता चल गया, मेरे बड़े भाई को। गांव में थिएटर होता था वहाँ? नहीं नहीं, गोरखपुर में। गोरखपुर से 40-50 किलोमीटर वहाँ होता है थिएटर? हाँ वहाँ होता है, गोरखपुर में होता है, इफ्टा है वहाँ बहुत फेमस है। हाँ इफ्टा भी है, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं वर्क कर रही हैं अभी। तो वहाँ पर रंगाश्रम थिएटर करके एक ग्रुप था जो ओपन में थिएटर करते हैं और उनका रंगांदोलन चल रहा था, वो ज्वाइन कर लिया आपने? हाँ 1980 में तो पैदा ही नहीं हुए थे, नहीं, नहीं, थे। वो जब से वो रंगांदोलन चल रहा है, मैं तो मजाक, रंगांदोलन जो चल रहा था, तो हर शनिवार को वहाँ एक नाटक करते थे जी। और वहाँ पे वीर बहादुर सिंह ने एक नींव रखी थी ओपन करने की, एक ऑडिटोरियम, लेकिन वो ऑडिटोरियम बन नहीं पाया और आज भी वैसे ही खंडहर पड़ा हुआ है। जब इतनी एक्टिंग कर रहे हैं, इतना कामयाब हो रहे हैं, उस पैसा कमा के आप उस थिएटर को बनाएंगे वापस? नहीं, वहाँ पर सरकार नहीं कुछ कर पा रही है, तो वहाँ पर मैं एक्चुअली कोई नहीं, हम तो चाहते हैं कि समाज और देश में बदलाव आए। वेल बातों ही बातों में बात करते हैं, ये बताइए कि ये जो कबूतर उड़ा, जिस कबूतर की वजह से आप बहुत फेमस हुए, आपकी जाती जिंदगी में भी उड़ा या उस सीरीज में ही उड़ा है? उस सीरीज में ही उड़ा है। मुझे मतलब कि जानवरों से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है। लेकिन वो तो परिंदा हो गया ना कबूतर तो। हाँ, लेकिन हाँ, जानवरों लेकिन से वो भी है, उनसे भी है, परिंदों से भी है। हाँ वेरी गुड। पक्षियों से भी? हाँ पक्षियों से भी है। सही। तो मैं तो अभी जब भी घर जाता हूँ ना, तो मेरा अधिकतर टाइम जो है, मेरी 1-2 भैंसे हैं उनके साथ, और हाँ 2-3 कुत्ते हैं। अरे वाह, लक्ष्मी और मलाई तुम्हारी भैंस का नाम तो नहीं है? नहीं, नहीं। तो आगे आपका जो लक्ष्य है, जो आपका मकसद है, कौन से एक्टर को आप फॉलो करते हो और उसकी एक्टिंग आप करना चाहोगे, उसकी तरह बनना चाहोगे, क्या आपका ये अपना अलग मुकाम हासिल करना चाहते हैं? मुझे तो सबसे मतलब पसंदीदा रहे हैं, मैंने उनको तो देखा है बहुत, तो इस वजह से गोविंदा साहब। उनके कुछ डायलॉग सुनाइए ना गोविंदा साहब। गोविंदा जी के? हाँ नहीं गोविंद, मैं मतलब डायलॉग ऐसा वाला नहीं कि मैं डायलॉग और चीजें, वो उनका लेवल ना, उसको छू पाना मेरे बस नहीं। गोविंदा का कौन सी चीज ज्यादा आपको पसंद है उनकी, गोविंदा साहब की, बताएं जरा। मुझे तो लगता है कि उनकी कॉमेडी टाइमिंग देख लीजिए, क्या बात है, या फिर उनके इमोशनल सीन्स देख लीजिए, जबरदस्त। मतलब किसी भी चीज में मैं तो नहीं कहूंगा, एक्शन भी हो, हाँ एक्शन भी हो, हर तरह से बहुत कमाल का बेहतरीन एक्टर, बहुत खुशी, मतलब अगर मान लीजिए आप स्टार बन जाते हैं, वक्त बदलेगा और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, ऊपर वाला आपको स्टार बनाए, स्टार बनाए, बड़ा एक्टर बनाए, आप जो अब जनरेशन आ रही है, जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या एक ऐसी बात कहना चाहते हैं कि उन्हें किस बात का इस शहर में आकर खासकर ध्यान रखना चाहिए? अगर वो एक्टर बनने के लिए आ रहे हैं तो मैं तो यही चाहूँगा कि वो तैयार होके आए,
बहुत अच्छे जी, क्योंकि शहरों में मैंने देखा पढ़ाई के दौरान अलग अलग स्किल पर काम करवाते हैं, छोटी 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 चीज़ों पर उनकी कहीं ना कहीं एक चीज़ कराते रहते हैं, हाँ बारीकियों पर। और जो गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं उसमें भी लोग अलग अलग अपने बच्चों को शिविर होते हैं, तो उससे चीज़ों को पता लगता है कि लड़का क्या कर सकता है, या फिर खुद के अंदर की प्रतिभा को भी पता लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। जी, लेकिन गांव में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल, वही मैंने, तो उस चीज़ को समझने में और खुद को जानने में मुझे बहुत टाइम लगा। इस बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, कि शादियों में कैमरे चलाए, चाचा जी की साइकिल की दुकान थी तो उस पर भी काम किया, और उसके बाद फिर एक पेंटर था, तो जब मैं ITI करता था तो उस दौरान मैं स्कूल से जब छूटता था तो उसकी दुकान पे आके रहना, तो उससे भी थोड़ा सा राइटिंग वाइटिंग भी मैंने सीखी है। बहुत अच्छी। और पिताजी का जब प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगा तो मैं भाग गया दिल्ली। दिल्ली में मैंने खिलौने की फैक्ट्री में काम किया, पहाड़गंज के इलाके में। और उस जमाने में थिएटर में आना नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली में अभी 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 थिएटर में नहीं आया। नहीं आए थे। उसके बाद फिर भाई साहब ने मुझे अपने पास बुला लिया, कैथल में वो रहते थे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का वो कार्ड बनाते थे। आपके बड़े भाई? हाँ, बड़े भाई। जी जी जी। तो मैं उनके पास चला गया और वहाँ पर मेरा काम होता था, रिक्शे पर बैठ के मैं मुझे प्रचार करना होता था, तो मुझे ये मजा आता था बहुत। तो वो थोड़ा सा बोलकर बताइए, प्रचार कैसे आप प्रचार करते थे, जरा सर आप बताएं। हल्का सा कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगे। हाँ, कि भाइयों बहनों, आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में उस जगह पर एक कैंप लगा हुआ है, जिसके माध्यम से आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड बनवा करके आप IPL की तरह, जैसे IPL में पैसे उड़ रहे हैं, उसी तरह से BPL कार्ड धारकों का जो है उनके माध्यम से सरकार आपको 30,000 का मुफ्त इलाज का, ऐसे करके। इतनी आप टैलेंटेड, आप लिख भी लेते हैं, आप एक्टिंग भी करते हैं, आप सब आप कुछ कर रहे हैं, है। इतना अच्छा अनाउंस भी कर रहे हैं, तो दुनिया क्यों छोड़ने की सोची आपने? देखिए क्या है कि कभी कभी चीज़ें जब, मतलब कि एक साल 2019 एक साल बिल्कुल काम नहीं मिला और चीज़ें लग रही हैं कि अब एक टाइम हो जाता है, एक एज हो जाती है, गाँव में तो जानते हैं कि बहुत सही बात है, चीज़ें होने के बाद लोग पूछना शुरू करते हैं। जी जी, कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, मुझसे क्यों नहीं कर रहा है, सबसे पहला सवाल ये। हाँ, मुझसे कम करी आपने? तो आपने करी? अभी तो नहीं। ये तो रही आपके ब्याह की बातें, और हम परवरदिगार से, ऊपर वाले से ये प्रार्थना करेंगे आपको बहुत अच्छी लड़की मिले और जल्दी मिले और आप बहुत कामयाब हो। लेकिन एक सवाल जो मन में बार बार कौनता है, ये बम बहादुर का किरदार आपको मिला कैसे? जी, मैंने जब, मुझे ऑडिशन के लिए आया था कास्टिंग बे से, तो मुझे आया था नए सचिव के लिए, नए सचिव का मैंने ऑडिशन दिया था और ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, इसमें अच्छा ऑडिशन गया था और उसमें मेरे सीनियर्स का बहुत सहयोग रहा बनवाने में, तो वो लग रहा था कि हो जाएगा। और फिर एक दिन फ़ोन आता है कि उस कैरेक्टर में आपका नहीं हुआ है और सर चाहते हैं कि एक नया कैरेक्टर है बम बहादुर का, 2 दिन का है, वो आप करें। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको सोच के बताता हूँ। वाह, क्या बात। तो फिर सोचने में कितना वक्त लिया? उसके बाद मैं नीचे था, मेरे जो सीनियर हैं उनके बस घर के नीचे था, मैं ऊपर ही जा रहा था, मैं ऊपर पहुँचा और मैं ऐसे चुपचाप बैठ करके, कुर्सी पे ही बैठ करके ऐसे रो रहा था। देखा, उन्होंने कहा क्या हुआ, बता क्या हुआ। तो मैंने बताया कि दादा उस वाले कैरेक्टर में नहीं हुआ। तो बोले, अरे यार ठीक है, होता रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तूने बहुत सारे ऑडिशन दिए हैं और बहुत बार फेल हुआ है। मैंने कहा नहीं दादा, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें मुझे, मतलब बहुत दिल से चीज़ें की थी कि ये हो जाएगा और ये हो नहीं हुआ। और फिर मैंने उनको बताया कि मुझे बम बहादुर के कैरेक्टर के लिए पूछा गया, तो उन्होंने बोला कर, बहुत अच्छे, जो अच्छी मिल रहा बात है, हाँ कर। तो मैंने कहा नहीं दादा, कहाँ, वो 10 दिन का कैरेक्टर था, कहाँ ये 2 दिन के लिए पूछा जा रहा है, आप बताइए, ऐसा कोई होता है? तो उन्होंने कहा पागल है, कम से कम मिल रहा है। और दूसरा चीज़ देखिए ना कि वो जो फिल्म अभी आई थी एनिमल, उसमें बॉबी देओल साहब का 12 मिनट का रोल था, लेकिन हीरो के ऊपर उन्हें तबाही मचा दी थी फिल्म ने, सेम टॉप पे हैं। तो फिर उन्होंने ये चीज़ समझाया कि देख, इंडिया की सबसे बड़ी वेब सीरीज़ में इसका नाम है और पता नहीं कौन सा डायलॉग, कौन सा मीम्स बन जाए, कोई भरोसा नहीं। सही बात, सही बात। तो तुम करो। मैंने कहा ठीक है दादा। फिर मैंने, वो साबित हुआ कि आपका वो क्या कैरेक्टर कितना फेमस हो रहा है। हाँ, उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ठीक है मैं करूँगा। और फिर बाद में वो 2 दिन से कैरेक्टर बढ़ करके 13 दिन का हो गया। क्या बात, क्या बात, वेरी नाइस, ये बात, ये बात। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मुंबई में मुझे, मतलब कि शुरुआत में इतना बोला गया और मुझे इतना मिला है, मतलब ज़्यादा मिला है। क्या आप तो फिर लकी रहे आपको, तो जैसे मैंने सबसे पहला ऐड किया था तो उसमें बजट
15,000 था, लेकिन जब ऐड ख़त्म हुआ कर करके और जब जिन्होंने मुझे बुलाया था उन्होंने पूछा कि तुमने अपना बिल बना के भेज दिया, मैंने कहा नहीं सर अभी तो नहीं बना के भेजा, बोला ठीक है मैं बताता हूँ तब भेजना। और फिर बाद में उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है अमित तुम जो है 35,000 का बिल बना के क्या भाई, वेरी नाइस। तो ये मेरे साथ एक्स्ट्रा हुआ है हमेशा जब भी मतलब मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग ने आपको नवाजा, आप लकी रहे और ये हमारी दुआ है कि मालिक आपको और आगे कामयाबी दे। कमाल साहब एक शेर बोलना चाहूँगा, ये सभी के लिए है और आने वाले उन लोगों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है जो एक्टिंग लाइन में आ रहे हैं, कि मैं अभी से क्यों भला का इखार मानूँ कि जग अभी जीता नहीं और मैं अभी खारा नहीं। जब तक आप जिंदा हैं ना सिर्फ इस बात को याद रखिएगा कि आपसे बेहतरीन और आपसे खूबसूरत शख्सियत इस दुनिया में नहीं आ सकती। अमित जी मुझे भी एक शेर याद आ रहा है इनकी शख्सियत के ऊपर, कहते हैं कि मौज साहिल से होकर पलट सकती है, कश्ती भरे तूफान से गुजर सकती है, मायूस न हो इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। बहुत बढ़िया बेहतरीन। अब मैं भी दो लाइनें सुना। हाँ आप तीन लाइनें सुनाएं सर। लॉकडाउन के दौरान मैंने सेकेंड लॉकडाउन जब था तो मैं मुंबई में था तो मैंने उस समय लिखा था, आँखों में नींद नहीं, आँखों में नींद नहीं आ जाए नींद, इसलिए उल्टी गिनती के साथ खुद की पलकों को थका रहे हैं, उम्मीद की किरण और आस की हल्की हल्की आँच पर हम अपने सपने पका रहे हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। बड़ा पाने के लिए बड़ा समय लगता है, बड़ा पाने के लिए बड़ा समय लगता है, खुद को समझा और पापा को बता रहे हैं, उम्मीद की किरण और आस की हल्की हल्की आँच पर हम अपने सपने पका रहे हैं। कि दर्द जब चेहरे से छलके, दर्द जब चेहरे से छलके, सूखे हलक और पानी से चिपचिपाई पलके, खुद को ढांढस बधा रहे हैं, उम्मीद की किरण और आस की हल्की हल्की आँच पर हम अपने सपने पका। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सर हमारे कार्यक्रम की रीत है कि एंड में आपको एक गाना गाना है और मैंने उस गाने के साथ सारंगी बजानी है। मुसाफिर मोहलियो रे पिंजरे वाली मुनिया, चल उड़ बैठे परवड़िया दुकनिया, उड़ उड़ बैठे परवड़िया दुकनिया, घरों के सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया, बनवा के सब रस ले लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। लग गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका, और दोस्तों वक्त आ चुका है आप सबसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर किसी खूबसूरत से मोड़ पर फिर किसी खूबसूरत सी हस्ती से आपकी कराएंगे मुलाकात, अपने दोस्त अमित सनेजा और साथ में उस्ताद कमाल साहब भी, साहब को दे इजाजत। लव यू ऑल, बाय बाय टू ऑल, टेक केयर टू ऑल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू अमित जी। और देखते रहिए इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ द सारी प्रेजेंस, दिलों की यादों की संदूकें खोल दो, बातें दिलों की बोल।